This channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. तो देखिए मैं आपको आज 12 अगस्त 2020 के लिए जो मैंने आपको कल कॉल्स दी थी, देखिए दो मैंने आपको दी थी यूट्यूब पे और दो दी थी टेलीग्राम चैनल पे. जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए. तो देखिए भारत फोर्ग और किरीन दोस मैंने आपको दी थी यूट्यूब चैनल पे और रेमंड और मुथूत फाइनेंस मैंने आपको दिया था टेलीग्राम चैनल पे. तो देखिए भारत फोर्ग में हमारे जो है फर्स्ट बाय साइड के तीनों टारगेट प्राइस अचीव हुए, शॉर्ट सेलिंग साइड के दो टारगेट अचीव हुए किरीन दोस. तो इसमें क्या था, हमारा बाय साइड का एक टारगेट अचीव हो गया था इजिली. शॉर्ट सेलिंग साइड में हमारा पहली बार में एसएल हिट हो गया था और जैसा मैं आपको कहता हूँ पहली बार में एसएल हिट होता है दूसरी बार आपको कॉल ले सकते हैं. तो टारगेट वन वहाँ पे दोबारा से अचीव हो गया था शॉर्ट सेलिंग सेकेंड टाइम में. बाकी बात करूँ मैं रेमंड की, टारगेट हो गया था अचीव शॉर्ट सेलिंग साइड का, हमारा एसएल हिट हो गया था. मुथूट फाइनेंस हमारा गैप डाउन ओपन हुआ था. तो और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारे जो भी पेड क्लाइंट्स हैं उनको क्या कॉल्स मैंने दी थी, तो आप हमारी वेबसाइट में विजिट मार सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. अवर लेटेस्ट अपडेट में जाके आपको यहाँ पे सारी कॉल्स मिल जाएगी जो भी मैंने दी थी, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं किसके कैसे कैसे टारगेट अचीव है, ये सब आप चीज़ें चेक कर सकते हैं. चलिए बात कर लेते 13 अगस्त 2020 की इंट्राडे स्टॉक्स के लेवल की. पहला मैंने आपके लिए चुना है श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन फाइनेंस. अपने व्यूवर्स को एक बार मैं बता दूं, जो पहला हमारा टारगेट होता है ये यहाँ से शुरू होता है. हमारे दो टारगेट होते हैं एक्चुअली. पहला जो हमारा पॉइंट दिया हुआ होता है फर्स्ट टारगेट, जैसे कि मैं बोलता हूँ यूजुअली क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फर्स्ट टारगेट मैं इसलिए बोलता हूँ इसे क्योंकि ये मैं सेफ पॉइंट लेके चलता हूँ. मान लीजिए स्टॉक्स जो है थोड़ा सा ऊपर आने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे 668.50 का पहला टारगेट प्राइस दिया है, ये एक्चुअल में सेफ पॉइंट है, बट कई लोग इसे कंफ्यूज हो जाते थे इसलिए मैं फर्स्ट टारगेट प्राइस बोलता हूँ. तो सेफ पॉइंट में आपको करना क्या होता है कि यहाँ से स्टॉप लॉस जो है, जो 663 का स्टॉप लॉस है, उसे प्लेस करना होता है 668 में. अब यानी कि अब जो आपने अमाउंट अर्न कर लिए वो आपसे डिडक्ट नहीं होगी फर्स्ट टारगेट प्राइस की, आप सेकंड और थर्ड टारगेट प्राइस का वेट कर सकते हैं कहाँ तक पहुँचता है और मार्केट की जो भी मूवमेंट है उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं. अगली बार के लिए आप एक एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं. तो शॉर्ट सेल करके चलेंगे ऐसे 662.50 पे, टारगेट रहेगा 661. टारगेट नहीं सेफ पॉइंट बोल सकते हैं, बट मैं टारगेट बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा फर्स्ट टारगेट का मतलब सेफ पॉइंट ही है. तो पहला टारगेट प्राइस रहेगा 661 का, सेकंड टारगेट प्राइस रहेगा 657, थर्ड टारगेट प्राइस रहेगा 655 और जो उसका स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 666. अब मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आगे मैं रिपीट नहीं करूँगा. पहली बात में बाइंग का लेवल ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है. बाइंग का लेवल कैसे ब्रेकआउट होगा, श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन में होगा 667.10 जब स्टॉक की प्राइस होगी तब आप इसे बाय करेंगे, एग्जैक्ट 667 पे नहीं करेंगे. सेकंड चीज़, 662.50 पे आप इसे शॉर्ट सेल नहीं करेंगे, 662.40 पे आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे, एग्जैक्ट जो मैंने प्राइस दिया उस पर आप शॉर्ट सेल नहीं करेंगे. और यही स्टॉप लॉस भी सेम रहेगा, स्टॉप लॉस में 663 के जब नीचे जाने लगेगा स्टॉक तब आप स्टॉप लॉस मानेंगे और ट्रेड से बाहर आएंगे. वहीं शॉर्ट सेलिंग की तरफ 666 का जब जो स्टॉक का प्राइस है 666 से ऊपर जाने लगेगा तब आप स्टॉप लॉस मानेंगे और ट्रेड से बाहर आएंगे. पहली बार टारगेट अचीव होता है तो दूसरी बार आप वो कॉल नहीं लेंगे. पहली बार में टारगेट अचीव नहीं होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आप दूसरी बार भी वो कॉल ले सकते हैं. यूपीएल को आप बाय करके चलेंगे 489 पे, टारगेट रहेगा 490.50 का, थर्ड सेकंड टारगेट प्राइस रहेगा 494.498 का, थर्ड टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस रहेगा 486 का. और शॉर्ट सेल करके चलेंगे इसे 485 पे, टारगेट रहेगा आपका 484 सेफ पॉइंट एज यू नो. सेकंड टारगेट प्राइस रहेगा 480 और 476 और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 488. और देखिए जब आप यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं प्लेस कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका ब्रोकर नहीं अलाउड कर रहा है स्टॉप लॉस प्लेस चेंज करना, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट टारगेट प्राइस है अगर दोबारा से जो स्टॉक की वैल्यू उस पर आती है तो आप ट्रेड से बाहर आ जाएंगे. वेट नहीं करेंगे कि और ऊपर जाएगा, आप बाहर आ जाएंगे, स्टॉप लॉस की तरह यूज़ करेंगे. अगला स्टॉक है हमारा जस्ट डायल, जिसे आप बाय करके चल सकते हैं 391 पे, टारगेट रहेगा आपका 392.50, सेकंड टारगेट प्राइस रहेगा 394 और 396 का, थर्ड टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस रहेगा 388 का. शॉर्ट सेल करके चलेंगे 387.50. टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा. मॉर्निंग में मैं दो कॉल्स वहाँ पे देता हूँ. टारगेट रहेगा आपका 386.50, सेकंड टारगेट प्राइस रहेगा 383 और थर्ड टारगेट प्राइस रहेगा 380, स्टॉप लॉस रहेगा 390. अगर स्टॉक गैप अप ओपन होता है तब आपको क्या करना है, वेट करना है 10 AM के अंदर गैप फिल होने का. गैप फिल कैसे होगा, बाय और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में वो कहीं पे होल्ड लेगा एक 30 सेकंड या फिर एक मिनट का. अब ये होल्ड कैसा होगा, देखिए एग्जैक्ट वहाँ पे रुक नहीं जाएगी वैल्यू, जैसे आप कर्सर देख रहे होंगे स्क्रीन में ऐसे अप डाउन करेगी, बट बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में, तब आप दोनों कॉल्स ले सकते हैं.
तो देखिए, आपको हमारे डिस्प्ले में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्प्ले में दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। वेबसाइट को विजिट मार लीजिएगा, जैसे मैंने अभी आपको कहा। अगर आप हमसे ज्वाइन होना चाहते हैं, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। मुझे कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा कुछ भी करना चाहते हैं, और इससे अलग आपको कुछ भी चीज़ जाननी है वो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना जरूर मत भूलिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आज क्या सीखने को मिला और आपको कितना प्रॉफिट हुआ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।